हेलो फ्रेंड्स, मैं शकुंतला, ग्रीन ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको खीरे की, जितना भी मेरे यहाँ खीरा जो है आ रहा है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि ये इतने तादाद में फल क्यों लग रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया है कि आपको जो है ये इतने सारे खीरे मैं दिखा पा रही हूँ। और बहुत अच्छी हेल्दी जो है हेल्दी फल जो है मुझे प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, जब हम इस खीरे के प्लांट की सीडलिंग करते हैं तो विशेष तौर पर ध्यान दें कि जब भी इसकी सीडलिंग करें तो मिट्टी जो है इस प्रकार की बनाएं ताकि जो है इसकी सीडलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। देखिए, ये मैंने खीरे के ही प्लांट मैंने लगा के रखे हैं और मेरी जो ये जो खीरे की जो मिट्टी है वो बहुत ही रिच बनाई है। इसमें मैंने जो रखा है वो मेनली सॉइल 50% सॉइल है, तो 50% गाय की गोबर वाली खाद है। फ्रेंड्स, गाय के गोबर वाली खाद जो है बहुत ही पुरानी है, करीब 3 से 4 साल पुरानी है, इसलिए मेरे इन खीरों का जो प्रोडक्शन है, जो इस पर जो फल लग रहे हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और हेल्दी और प्योर ऑर्गेनिक है। दोस्तों, प्योर ऑर्गेनिक लग रहे हैं। देखिए कितने सारे इसमें, देखिए छोटे छोटे खीरे भी आए हुए हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा ही खीरे का ही प्लांट है। और फ्रेंड्स, समय समय पर मैं क्या करती हूँ कि ये देखिए, ये जो आपको ये खाद दिख रही है, ये समय समय पर, इस समय क्या है, जब आपके प्लांट पर बहुत सारे खीरे की बड्स लगने लगे, फ्लावरिंग आने लगे, तो आप जो है मेनली एक काम ज़रूर करिए कि आप जो है इसकी गुड़ाई, आप इसकी गुड़ाई ज़रूर करिए। और गुड़ाई करने के बाद आप इसको जो है हर पंद्रह दिन में आप इसको गाय की गोबर वाली पुरानी खाद ज़रूर दीजिए। इसमें बहुत रिच नाइट्रोजन होता है और ये हमारे प्लांट्स को नुकसान भी नहीं करता है और हमारे शरीर में भी आपको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं लाता है। और जो फ्रूटिंग के लिए है, मेनली प्लांट की ग्रोथ के लिए है, फ्रूटिंग के लिए फ्रेंड्स ये जो है बहुत ही अच्छा माना गया है। दूसरा काम ज़रूर ये करें, जैसे इस तरीके से ये डेड लीव्स हो जाती हैं फ्रेंड्स, तो आप ये डेड लीव्स जो है ये इस तरीके से निकालते रहें। यदि आप ये डेड लीव्स निकालते रहेंगे तो आप देखिए, जब अपन ये डेड लीव्स निकाल देंगे तो यहाँ पर जो है ये नोड्स होते हैं, इन नोड्स से दूसरी जो है लीव्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे आपका जो प्लांट है वो बहुत ही हेल्दी बना रहेगा। और जब प्लांट हेल्दी होगा और इसका रूट सिस्टम भी बहुत हेल्दी हो जाएगा, बहुत अच्छी रूट्स डेवलप हो जाएंगी, तो नेचुरली ही आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और आपको खीरे ही खीरे जो है हर डाल पर आपको खीरे जो है नज़र आएंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप खीरे के प्लांट को लगाएं तो आप इसमें बीच बीच में आप जो है इसका सफाई ज़रूर करें और ये इस तरीके की लीव्स की भी हटाते रहें। और जो डेड स्टेम्स हो जाते हैं, जैसे देखिए इस तरीके के डेड स्टेम्स, इन्हें भी आप हटा दें, क्योंकि प्लांट जो है अपनी एनर्जी इन सब चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं और जब आप ये सब चीज़ें हटा देंगे तो सारा जो प्लांट की एनर्जी है वो इन खीरों फलों में लग जाएगी, फलों के बढ़ाने में लग जाएगी, ये देखिए। और आप जो है बीच बीच में भी फ्रेंड्स, महीने में एक बार जो सरसों की खली होती है, जो लिक्विड फॉर्म में आप उसको रेडी करते हैं, वो भी आप ज़रूर डालें और ताकि जो है आपका जो है खीरे बहुत अच्छी तादाद में प्राप्त हों।
और फ्रेंड्स, यदि आपके खीरों में कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मिली बग या कोई कीड़ों का अटैक है, तो समय समय पर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें, और प्योर ऑर्गेनिक है या नीम की पत्तियों को उबाल कर भी आप स्प्रे करें। हालांकि फ्रेंड्स, अभी तक मैंने इनमें कुछ भी यूज़ नहीं किया है और ना मेरे उसमें कीड़ों का अटैक है, क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी मैं इसकी सॉइल बनाती हूँ या मैं खाद देती हूँ, प्योर ऑर्गेनिक होती है। और जो है ऑर्गेनिक होने से जो फ्रेंड्स, जो इसके प्लांट होता है वो उस पर प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, तो इस कारण इस पर कीटों का अटैक भी नहीं जल्दी होता है और फल भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और कोई क्वेरीज है तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। ओके, बाय बाय।